हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लैपटॉप मिले जिसका ये जो लॉक है, ठीक है, टूटा हुआ हो, ठीक है, फ्रंट पैनल का जो फ्रंट पैनल और बेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला जो लॉक होता है, बहुत लोग इसको कब्जा बोलता है हिंदी में, ठीक है, लेकिन ये जो लॉक जब भी टूट जाए, ठीक है, तो उसको कैसे फिर से आपको फिक्स करना है, उससे पहले आप इसको निकाल लीजिए। ऐसे इसमें कोई स्क्रूज नहीं लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब, ठीक है, फिक्स होते हैं, ठीक है। ये बोल्ट जो जिस बोल्ट से इसको कसा जाता है, उस बोल्ट का ये नट होता है जो बॉडी में जाम किया हुआ रहता है, ठीक है। टूटते समय क्या होता है, यही यहां से उखड़ जाता है, ठीक है। तो उसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल यहीं पे जहां पे ये फिक्स किया हुआ होता है वहीं पे आपको होल करना है, ठीक है, पतला होल, जितना पतला संभव हो, ठीक है। फिर दूसरे एंड पे भी सेम वैसे ही करना है। ध्यान रहे कि कोई केबल ना गले, ठीक है। होल हो जाने के बाद ध्यान रहे आपको जो भी नट लगाना है, जो भी स्क्रू लगाने हैं, ठीक है, उतना मोटा ही नट करना है, उससे ज्यादा मोटा होल नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे मैं यही सब स्क्रू का प्रयोग करूंगा तो इतना ही मोटा मैंने होल कर लिया, ठीक है। होल करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा है उसको अच्छे से कट कर लेना है, ठीक है। और ध्यान देना है कि आपका एलसीडी है वो क्रैक ना हो, ठीक है, काफी केयर से आपको करना है, ठीक है। जो भी इधर एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है आप देखिए, इधर मैं इसको अच्छे से कट कर दे रहा हूं। इस साइड भी वैसे ही करना है आपको, थोड़ा थोड़ा इधर भी, तो दोनों होल को इसी तरह आपको क्लीन कर लेना है पहले, ठीक है, ठीक है। जब होल सही तरीके से हो जाए, स्क्रू आर पार होने लगे, तब आपको क्या करना है, यहां स्क्रू लगाना है, ठीक है। इससे आपको स्क्रू को पार करा लेना है, ठीक है। दोनों साइड आपको स्क्रू ऐसे पार करा लेना है। उसके बाद जो होल आपने किया है उस होल के अंदर ऐसे डाल देना है दोनों एक साथ, ताकि, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको बाहर तरफ से स्क्रू को टाइट कर देना है अच्छे से। अगर संभव हो तो आप एक वाशर लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर वाशर का जगह नहीं बचता है ठीक है, ऐसे वाशर लगा के आप चेक कर सकते हैं। मैं चेक करके देख लेता हूं, अगर ऐसा लगता है कि नहीं छोटा हो जा रहा है, अगर बोल्ट छोटा हो जा रहा है तो आप वाशर हटा सकते हैं, या फिर बोल्ट जो आप लगाए हैं उसको बड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। आप देखिए लगभग ये वाशर के साथ ही रुक चुका है, देखिए मैंने वाशर भी लगाया है, ठीक है। बहुत बड़ा बोल्ट मैंने नहीं लगाया कि ये जो बाहर निकल रहेगा तो आपको रख रखाव में बैग या कपड़ा जैसे लग के फट सकता है, ठीक है। सेम प्रोसेस आपको इस साइड भी ऐसे ही करना है, इस साइड भी वैसे ही आपको वाशर और बोल्ट नट दोनों लगाना है। वाशर नहीं लगाएंगे तो भी आपको चलेगा, लेकिन लगा देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसको टाइट करते समय इस बात का ध्यान देना है आपको कि बहुत ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश न करें। अगर ये थोड़ा भी छटक के, ठीक है, स्लिप करके कॉर्नर पे जाकर लग जाएगा तो आपका एलसीडी क्रैक कर जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सब भी जो टूटा हुआ है इसका कोई कुछ नहीं करना आपको, बस इसी तरह दाब के इसका जो कवर है उसको लगा देना है। कवर लगाने के बाद मैं आपको बंद करके फिर खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपका लैपटॉप फिर से बंद हो गया, ठीक है, फिर आसानी से खुल गया, ठीक है।
यहाँ पे बस दो, ठीक है, दो नट मात्र आपको दिखेंगे। बहुत बड़ा बड़ा अगर मानते हैं कि आप किसी केस में आप अगर लगा ज्यादा बड़ा बोल्ट आपके पास, छोटा बोल्ट नहीं तो कोई बात नहीं, आप जितना है उतना लगाइए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हेक्सो ब्लेड से या फिर किसी भी ब्लेड से जिससे लोहा कट सके आपको इतना काट के हटा देना है। उसके बाद आपको, ठीक है, स्क्रेच करके सॉफ्ट कर देना है, एज नहीं रहा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी कन्फ्यूजन या सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।